वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से समझेंगे, तत्पश्चात आप वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को कॉपी पर अवश्य ही नोट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। चार हुआ, व्हाट आर द थिंग्स यानी वे कौन कौन सी चीजें हैं द चाइल्ड सीज जो बच्चे देखते हैं ऑन हिज वे टू द फेयर यानी फेयर जाने के मार्ग में। व्हाई डज ही लैग बिहाइंड अर्थात व्हाई डज ही लैग बिहाइंड का मतलब हुआ कि वह पीछे क्यों छूट जाता है। तो आंसर देखिएगा स्टूडेंट, द चाइल्ड सीज क्या क्या देखता है बच्चा, नाम बता दोगे, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म और छोटे छोटे कीड़े और वॉर्म यानी तो कृमि जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वे रास्ते में देखते हैं। एक चीज और आप लिख सकते थे डियर स्टूडेंट्स, ट्वाइज यहाँ पर छूट गया, ठीक है। यहाँ पर फिर ट्वाइज मैं लिख देता हूँ, इस जगह छूट गया है, ये ट्वाइज लिखना, ठीक है। चलिए इस जगह लिख लेंगे द चाइल्ड सीज ट्वाइज, ठीक है। इस जगह आपको लिखना है ट्वाइज, ओ और वाई ट्वाइज कॉमा लगा देंगे उसके बाद। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर, ठीक है। ही लैग्स बिहाइंड, अब दूसरे पार्ट का आंसर है, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, वह पीछे क्यों छूट जाता है। ही लैग्स बिहाइंड बिकॉज ही गेट्स अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ दोज थिंग्स, वह पीछे छूट जाता है क्योंकि इन सभी चीजों की ब्यूटी को देखकर यानी खूबसूरती सुंदरता सौंदर्य को देख करके क्या हो जाता है, वह गेट्स अट्रैक्टेड आकर्षित हो जाता है, ठीक है। यानी इनके आकर्षण में वह खो जाता है, उनको देखते ही रहता है, जिसके चलते वह अपने मम्मी पापा से पीछे छूट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे 2 नंबर, इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स, यानी आपको पता है स्टोरी में आपने देखा था कि फेयर में जब बच्चा प्रवेश करता है, मेले में जब प्रवेश करता है, तो वह बहुत सारी चीजें मांगता है अपने पेरेंट्स से, रिक्वेस्ट करता है। व्हाट आर दे, तो आपको बताना है कि वे कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, यानी कौन कौन सी चीजें बच्चे मेले में देखता नहीं है बल्कि चाहता है, उन्हें लेना चाहता है। व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, दूसरे पार्ट में पूछा कि वह लड़का बिना आंसर का इंतजार किए ही
यानी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही, माता पिता के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही वह आगे क्यों चल देता है। तो देखते हैं आंसर। At first he wants to have a barfi that is his favorite sweet। कहता है सबसे पहले तो वह बर्फी चाहता है जो उसका मनपसंद स्वीट है, मनपसंद मिठाई है। He moves ahead and sees a man selling garlands of gulmohar। वह आगे बढ़ता है तो क्या देखता है, एक आदमी गुलमोहर की मालाएं बेच रहा है। He wants to have a garland of gulmohar। तो वह गुलमोहर की माला लेना चाहता है। Then he sees a man selling balloons of attractive colors। फिर आगे क्या देखता है बच्चा, एक आदमी आकर्षक रंगों वाले बैलून्स बेच रहा होता है, गुब्बारे बेच रहा होता है। He wants to have all of them। और वह बच्चा चाहता है कि मैं सभी बैलून्स ले लूं, एक दो नहीं, all of them, सब के सब। Finally he expresses his desire to have a ride on the roundabout। और बाद में अंत में वह बच्चा अपनी इच्छा प्रकट करता है राउंड अबाउट पर जाने की। ठीक है, he moves ahead without waiting for an answer। लेकिन किसी भी आंसर का इंतजार किए बिना ही वह आगे बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? Because he knows very well, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता है that his parents would never buy him any of those things, कि उनके मम्मी पापा कभी भी उन्हें इनमें से कोई भी चीज खरीद कर नहीं देंगे। ठीक है, नंबर थ्री देखो। When does he realize that he has lost his way, यानी उस बच्चे को कब एहसास होता है कि वह खो गया है। How have his anxieties, जिस जगह एंग्जाइटीज होना चाहिए था डियर स्टूडेंट्स, आप इसको वाई को हटाकर आई बना लो और ई एस लगा देना। ये बुक में भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टी। हाउ हैव हिज एंग्जाइटीज एंड इनसिक्योरिटी, ओ सॉरी, एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी है डियर स्टूडेंट्स, तब तो ये ठीक ही है। एंग्जाइटी ही लिखना भाई, तब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। उनकी एंग्जाइटी यानी चिंता और इनसिक्योरिटी और असुरक्षा, कहता है किस प्रकार डिस्क्राइब की गई है इस स्टोरी में, कैसे उनकी असुरक्षा और उस लड़के की जो असुरक्षा की भावना है वह कैसे डिस्क्राइब किया गया है। The child reaches near the roundabout। देखो बच्चा roundabout के पास पहुंचता है। He makes a bold request to go on the roundabout, but he does not get any response from his parents। कहता है बच्चा जो है bold request करता है, बहुत ही जोरदार रिक्वेस्ट करता है, हिम्मत से भरा हुआ रिक्वेस्ट, बोल्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट करता है? राउंड अबाउट पर जाने के लिए। ठीक है, बट ही डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, लेकिन अपने मम्मी पापा का उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। देन ही टर्न्स टू लुक एट देम, फिर वह मुड़ता है उन्हें देखने के लिए। He finds that his parents are not there। उन्हें पता चलता है कि उनके मम्मी पापा वहाँ नहीं है। ठीक है, He realizes that he has lost his way। तब उनको एहसास हो जाता है कि वह खो चुका है। Then he begins to run।
हियर एंड देयर, तब वह यहाँ वहाँ भागने लगता है। ही इज क्राइंग बिटरली फॉर हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के लिए वह फूट फूट कर रोने लगता है। व्हेन ही गेट्स एग्जॉस्टेड ही स्टैंड्स डिफीटेड, थक जाने के बाद वह हार करके खड़ा हो जाता है और हिज क्राइज सप्रेस इनटू सॉब्स, और कहता है उनकी जो ये जो रोने क्रिया है, रुदन है, वह सिसकियों में बदल जाता है, दब जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, यानी वह लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बालक, उन चीजों में रुचि खो देता है जो वह पहले चाहता था। तो क्यों खो देता है? आंसर है, वी नो दैट नो चाइल्ड वुड लाइक टू हैव एनीथिंग बाय लूजिंग हिज और हर पेरेंट्स। आप और हम सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा संसार की कोई भी चीज नहीं लेना चाहेगा अपने मम्मी पापा को खोकर, ठीक है। इन द फेयर द चाइल्ड हैड ऑल्सो लॉस्ट हिज पेरेंट्स, मेले में वह लड़का भी अपने पेरेंट को, अपने मम्मी पापा को खो चुका है। दैट्स वाई, यही कारण है, ही लूजेज इंटरेस्ट इन द थिंग्स, वह उन चीजों में इंटरेस्ट खो देता है दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, जो वह पहले चाह करता था। नंबर 5 देखो स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड। राइटर ये जो क्वेश्चन पूछने वाले आपसे पूछ रहे हैं कि भाई अंत में आपके हिसाब से क्या हुआ होगा? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या उस बच्चे को अपना पेरेंट्स मिलता है? भाई आप पूछ सकते हो, इसका सिंपल सा आंसर, आई थिंक द चाइल्ड मस्ट हैव फाउंड हिज पेरेंट्स इन द एंड। मुझे तो लगता है कि उस बच्चे को अंत में अपने माता पिता अवश्य ही मिल गए होंगे। क्यों? आई थिंक सो बिकॉज द फेयर मैंशनड इन द स्टोरी इज नॉट ए वेरी बिग फेयर। जो फेयर यहाँ मैंशन की गई है कहानी के अंदर, वह कोई बड़ा सा फेयर नहीं है, कोई बड़ा सा मेला नहीं है। दिस वॉज जस्ट ए लोकल फेयर, यह तो मात्र एक लोकल स्थानीय मेला था। इन सच फेयर सो मेनी चिल्ड्रन गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स और गार्जियन, और कहता है ऐसे मेलों में बहुत सारे बच्चे अपने गार्जियन से, अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाते हैं। बट फाइनली दे आर ट्रेस्ड आउट बाय द फेयर मैनेजमेंट, लेकिन बाद में जो है मेले के प्रबंधक के द्वारा उन बच्चों को ढूंढ निकाला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए हैं। आप उन्हें याद करें ताकि आप परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते चलते मैं एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपको कोई चीज़ समझ ना आती हो तो अवश्य कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं और जवाब भी देता हूं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी, मुनीलाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।